महाराज आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिन्हें महादेव को इस क्षेत्र में काशी की स्थापना करनी पड़ी, इसी क्षेत्र को क्यों चुना उन्होंने? देखिए, इसकी ब्रह्मांडीय स्थिति जो है, जब आप इसको इस समय तो बहुत सी विधाएं प्रचलित है, आप गूगल पे जो सर्च करेंगे तो पूरे ब्रह्मांड में काशी की जो खगोलीय स्थिति है वो बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। भगवान शिव ने इसको इसीलिए चुना, जिस प्रकार कैलाश के ऊपर से आपने सुना है जहाज नहीं उड़ सकती, उस वहां पर क्या ऐसी परिस्थितियां हैं ये विज्ञान के लिए आज भी रहस्य का विषय है। उसी प्रकार काशी जिस क्षेत्र में बसी हुई है, जिस क्षेत्र में काशी की स्थिति है, वो कभी जल प्लावन में नहीं आ सकती। यहाँ का जो भौगोलिक व्यवस्था है वो इस प्रकार की बनी है कि काशी कभी महाप्रलय में भी नष्ट नहीं हो सकती। इसका प्रमाण विज्ञान भी देता है कि काशी एक ऐसी जगह है जो जब से बसी है तब से ऐसा स्थिति में वैसे ही है। विस्तार हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुई मूल रूप से, अपने मूल स्थल से कहीं इधर उधर बसाई गई। भगवान शिव आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, जगत को कष्टों से त्राण दिलाने वाले हैं। भगवान शिव ने जब देखा यह जीव जो ताप दग्ध है, तीनों ताप दैहिक दैविक भौतिक तापों से युक्त हैं और इनको मोक्ष की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं, तो किसी भी प्रकार जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो इसके लिए भगवान शिव ने इस अभिमुक्त क्षेत्र की स्थापना की, जहां पर अस्थियों के डाल देने से भी मुक्ति है, निवास करने से भी मुक्ति है, प्राण छोड़ने से भी मुक्ति है, और अगर शवदाह होता है तो शव के काल में तारक मंत्र लेकर भगवान शिव उस जीव का उद्धार कर देते हैं, ऐसी मान्यता है हमारी धार्मिक। भगवान शिव ने इन्हीं कारणों से इस अभिमुक्त क्षेत्र को विकसित किया, जहां आने पर जीव के स्थूल कारण सूक्ष्म तीनों शरीरों का विनाश हो जाए और वह शिव के साहित्य को प्राप्त करे।